What's up you guys, welcome back to my channel. Let's talk about GL Gap series of novel. तो मॉन मिस्टर क्रिक को एक लेडी के साथ देख लेती है एंड सरप्राइज होकर उनके पास जाती है एंड मिस्टर क्रिक भी मॉन को देखकर शॉक्ड हो जाता है और मॉन को लेकर वहां से निकल जाता है। फिर वो मॉन से कहता है, प्लीज मॉन मेरे इस अफेयर के बारे में सैम को मत बताना। सैम के पास मेरे लिए टाइम नहीं होती और मैं बहुत ही अकेला फील करता हूँ। वो बस अपनी ऑफिस को लेकर बिजी रहती है और दूसरे लोगों के लिए उसके पास टाइम होती है बट मेरे लिए नहीं। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट मेरे इस अफेयर के बारे में तुम सैम को मत बताना। तो मॉन मिस्टर क्रिक की बातें समझ जाती है और वो डिसाइड करती है कि उनके इस अफेयर के बारे में सैम से कुछ नहीं बताएगी। अगले दिन मिस्टर क्रिक मॉन को फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है और मॉन नोटिस करती है कि मिस्टर क्रिक के फेसबुक आईडी के नेम होता है द रोनाल्डो गुडमैन एंड वो मॉन की सारे फोटोज पे लाइक करता है और बहुत सारे कमेंट्स करता है और इधर सैम ये सारी चीजें नोटिस करती है। फिर वो मॉन से कहती है, ये रोनाल्डो कौन है, क्या तुम उसे जानते हो? तो मॉन कहती है, नो वो बस मेरी एक फेसबुक फ्रेंड है। फिर सैम कहती है, अगर तुम दोनों बस एक रैंडमली फ्रेंड हो तो वो तुम्हारी फोटोज पे इतने लाइक्स और कमेंट्स क्यों कर रहा है? तो मॉन कहती है, क्यों आप भी तो मेरे फोटोज पे लाइक्स और कमेंट्स करते हो? तो सैम कहती है, हाँ मैं कर सकती हूँ क्योंकि हम दोनों क्लोज है। तो मॉन कहती है, ओ रियली, हम दोनों सच में क्लोज है? फिर सैम कहती है, देखो मैं बस एग्जाम्पल दे रही हूँ, मेरे लाइक्स करना और दूसरे को लाइक्स करने में बहुत फर्क है। फिर वो रोनाल्डो यानी कि उसके ही फियांसे के साथ फाइट करने में लग जाती है। फिर सैम उनसे कहती है कि तुम मॉन की सारे फोटोज पे लाइक्स क्यों कर रहे हो, क्या तुम मॉन को जानते हो? तो मिस्टर क्रिक कहता है, दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। ये मैसेज देखकर सैम बहुत ही गुस्सा हो जाती है और कहती है, क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने नहीं सिखाया कि दूसरों से कैसे पेश आना चाहिए? एंड उधर मिस्टर क्रिक भी चुप नहीं रहता, वो भी कहता है, क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने नहीं सिखाया कि दूसरों के साथ कैसे बिहेवियर करना चाहिए? ये मैसेज देखकर सैम एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और बहुत गुस्से में कहती है, अगर वो कभी मेरे सामने आ जाए ना तो मैं उसे देख लूंगी। मॉन ने कभी सैम को इतना गुस्से में नहीं देखी। तो वो फटाफट मिस्टर क्रिक को मैसेज करती है कि आप जिससे बात कर रहे हो वो सैम है और प्लीज़ आप दोनों फाइट करना बंद करो। अगले सीन में वो तीनों लिफ्ट में होती है और सैम बताती है कि वो कितना फ्रस्ट्रेटेड है उस रोनाल्डो की वजह से एंड इधर मिस्टर क्रिक पूछता है कि सैम की कोई फेसबुक आईडी है क्या? तो मॉन यस कहती है। तो मिस्टर क्रिक बताता है कि उसे भी अपनी फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर ले एंड सबको अपने रिलेशन के बारे में बोल देते हैं। तो सैम इस बात को रिफ्यूज कर देती है और कहती है कि मैं उस अकाउंट को ज्यादा यूज नहीं करती। फिर वो दोनों एक दूसरे से बात करने लगती है। उन दोनों को ऐसे बात करते हुए देखकर मॉन सोचती है कि सैम उससे ज्यादा मिस्टर क्रिक से ज्यादा क्लोज है, तो इसीलिए मॉन को बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होती है और बहुत ही बुरा भी लगती है। फिर वो तीनों रेस्टोरेंट में जाती है और मिस्टर क्रिक नोटिस करती है कि मॉन आज बहुत ही चुपचाप है। तो वो मॉन से पूछता है, क्या हुआ मॉन, आज तुम बहुत चुपचाप हो, आर यू ओके ना? सैम को यह चीज़ बहुत ही वियर्ड लगती है क्योंकि मिस्टर क्रिक कुछ ज़्यादा ही मॉन की केयर कर रहा था। तो सैम बिना कुछ सोचे समझे कह देता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम दोनों बहुत क्लोज हो गए हो? तो मिस्टर क्रिक कहता है, नो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस मॉन को एक अच्छा ट्रीट देना चाहता था। बट फिर भी सैम को रियलाइज होती है कि मिस्टर क्रिक और मॉन के बीच कुछ तो सस्पेक्टेड है। फिर वो मॉन को मैसेज करती है बट मॉन भी कोई भी रिप्लाई नहीं देती, इसीलिए सैम बहुत गुस्सा हो जाती है और टेबल पे जोर से मारती है और गुस्से से कहती है, मैं तुम्हारी गाड़ी पे वेट कर रही हूँ। फिर चली गई। तो मिस्टर क्रिक और मॉन बिना टाइम वेस्ट किए उसके पीछे चली गई। फिर अगले सीन में मॉन ऑफिस से सीधा अपने घर आती है और देखती है कि सैम और उसकी पेरेंट्स बात कर रही थी। सैम को देखकर मॉन बहुत सरप्राइज हो गई थी। फिर वो जैसे ही घर के अंदर आई तो उसकी मम्मा ने बताई कि सैम उसके लिए बहुत टाइम से वेट कर रही है। और इधर सैम मॉन की बेडरूम पे आती है और देखती है कि दीवारों पे बस उसके ही फोटो लगी हुई है। तो सैम सारी फोटोज को देख रही थी तभी मॉन आती है एंड देयर इज सीन जब मॉन अपनी सारे फोटोज को ढकने की कोशिश कर रही थी। मॉन सैम से थोड़ी नाराज थी इसीलिए वो उससे बात ही नहीं कर रही थी। तो सैम कहती है, मुझे लगता है कोई मुझे इग्नोर कर रही है। तो सैम हर एक चीज के लिए माफी मांग लेती है और एक प्यारी सी थाईलैंड की डॉगी की तरह बिहेव कर रही थी। सैम को ऐसे देखकर मॉन बहुत ही सरप्राइज हो जाती है बट बहुत ही हैप्पी भी फील करती है। तो क्योंकि वो बहुत ही क्यूट दिख रही थी तो मॉन इसीलिए उसके पास जाती है और वैसे भी वो दोनों एक दूसरे को सच में बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। फिर मॉन जैसे ही सैम के करीब आई, आफ्टर लॉन्ग टाइम सैम ने अगेन मॉन की लिप्स को बाइट की एंड उन दोनों के बीच फिर से सब कुछ ठीक हो गई।
Alright guys, that is episode 6 spoiler. If you like this video, please give it a like and also subscribe to the channel. And if you follow me on Instagram, my Instagram handle is here. You're gonna follow me. So see you soon in the next video. Love you guys. Take care and bye-bye.